सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। जो मेरी सिस्टर हैं, दीदी हैं, तो उन्होंने जो है तोते पाल रखे हैं। उनको वो अनाथ हो गए थे, दो तोते उनको मिले, तो उन्होंने बहुत अच्छी उनकी टेक केयर करी और जो है बचपन से लेके अभी तक जो है बहुत अच्छी टेक केयर करी है। तो उन्होंने मुझे वीडियोज़ भेजी है, तो मैं आपके साथ सबको शेयर करना चाहता हूँ। और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 100 मेरे को लाइक जो है आप करिएगा। मेरा जो एम है इस वीडियो में 100 लाइक का एटलीस्ट, ताकि मैं उसके बाद जो है उस तोतों के साथ लाइव जो है ब्लॉग भी बना सकूं और उनकी जो आवाज़ वो बोलने लग गए हैं उसके बारे में भी आपको दिखा सकूं। तो तब तक के लिए मिलते हैं, आप लोग देखिए, तब तक के लिए बाय। जब ये एक वीक का थे तब जो है दीदी को मिले थे एक हफ्ते के। उसके बाद जो है दीदी ने इसको उनको घर में ही फीडिंग करा। अगर दीदी को नहीं, ये लोग नहीं पालते तो क्या कहते हैं, ये ऑलमोस्ट अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में होते तो ये मर ही जाते हैं। तो ये देख लीजिए, अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गए हैं इस समय पे। इस समय बोलने लग गए थे। ये राधे और मीरा हैं, मेल फीमेल। काफी जॉयफुल हैं और जैसे मैं अगर जाता हूं तो क्या कहते हैं, कोई आ गया करके बोलते भी हैं। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड टू नो, मुझे तो पहली बार पता चला कि तोतों का वोकल कॉर्ड इतना अच्छा होता है कि वो बोलते भी हैं। मतलब सुना था लेकिन देखा नहीं था, तो इस बार देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है हमारे मेरे सब्सक्राइबर्स तक भी जानी चाहिए। और अगर मेरा 100 लाइक्स हो जाएंगे, ये देखिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद जो है पैरेट में जो है फेदर्स जो है आने लग गए थे और जो है काफ़ी अच्छा जो है कलर डेवलप होने लग गया। जो आप ये रेड रेड देख रहे हैं इनके पंख के राइट साइड में, ये स्पॉट जो है बहुत अच्छा लगता है बड़े होके। काफ़ी खेलने लग गए थे ये लोग इस समय पे। काफ़ी अच्छा जो है इनका कोट हो गया था और जो है उसके बाद जो है इसको इनकी जो फीडिंग जो थी वो भी दीदी ने, स्टार्टर जो डोज होती है जो जो इनको खिलाया जाता है, इनका जो फूड होता है वो भी मंगा लिया था और जो है दीदी को केयर करनी भी आ गई थी। तो इसमें मतलब ठीक ठाक ये अच्छे चल रहे हैं और बीच में एक बार उड़ भी गए और उसके बाद जो है इनको पकड़ा भी गया। क्योंकि अब ये है ना कि अब बेसिकली जो बचपन में होता है तो उसके बाद जब फैदर आ जाते हैं तब उड़ने लगता है तोता, तो एकदम से जो है उड़ता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ होती है कि शायद कुछ करते हैं, फ्लाइट करते। तो एक बार उड़ गया था तोता लेकिन वो बैठ नहीं पाया, तो उसके बाद वो बेचारा गिरा गया। फिर बड़ी मुश्किल से पकड़ के उसको फिर अपनी जगह गया, फिर उसके बाद बाहर नहीं आता है। वो आता है कभी कभी, मतलब घर में आता है, उड़ता नहीं है। तो ये देख लीजिए, इस समय जो है तोते इस तरह से हो गए हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा, ये छोटा सा वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी।